Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler's AutoCAD tutorial series. So friends, आज हम AutoCAD 3D की exercises start कर रहे हैं, AutoCAD 3D के tutorials बनाना start कर रहे हैं, okay? So जैसे कि बच्चों की request मुझे काफी आई थी कि sir 3D के tutorials हमें चाहिए, 2D में काफी tutorials हमें मिल जाते हैं, so हमें 3D के tutorials चाहिए. So उनके request पे मैं आज 3D के tutorials start कर रहा हूँ. So सबसे पहले हम कैसे start करेंगे? बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारी कमांड्स करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे और सारी ड्राइंग्स बना के देखेंगे, असेंबली भी करेंगे इसमें. ओके, सो ये सारी चीजें हमने करके देखनी है. वन बाय वन बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे हम, किस तरह से हमारे 3D में टूल्स रहेंगे और उनको किस तरह से यूज करके हम ड्राइंग्स बनाएंगे. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ. आपको इंट्रोडक्शन मैंने AutoCAD की दे ही रखी है. AutoCAD की जो इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से AutoCAD के इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं कि 2D में क्या होता है, 3D में किस तरह से होता है. तो इस चीज को कहते हैं हम रिबन. तो ये हमारे पास 3D का पैनल है. यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चले जाते हैं. तो हमारे पास 2D का पैनल स्टार्ट हो जाता है, 2D का वर्क स्पेस स्टार्ट हो जाता है. और अगर हम यहाँ से 3D में चले जाएं, 3D मॉडलिंग में, बेसिक 3D में नहीं जाना, आपने 3D मॉडलिंग में जाना है जिसमें आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे. तो ये हमारा 3D का वर्क स्पेस स्टार्ट हो गया है. तो रिबन में सारे के सारे टूल्स आपको 3D के ही मिलेंगे. देखिए, जैसे सबसे पहले जो हमारा टूल आ रहा है उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले बॉक्स है. तो बॉक्स किस तरह से है, सिंपल, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ, 100, 100, 0, 0 लिया, 100, 100 लिया, तो आप देख सकते हो एक बॉक्स बन गया मेरा. तो यहाँ पे एक चीज है मेरे पास, मैं हमेशा एक्सरसाइज में बताता रहा हूँ आपको कि स्क्रीन को रोटेट किस तरह से करना है. सो आप यहाँ से जाके भी रोटेट कर सकते हो. सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने स्क्रॉल प्रेस करना है. तो शिफ्ट, उसके बाद स्क्रॉल प्रेस करोगे और माउस को जिस तरह से मूव करते जाओगे उस तरह से आपकी स्क्रीन जो है वो रोटेट होती जाएगी. ओके, सो यहाँ पे अब ये वैल्यू पूछ रहे है, क्या पूछ रहे हैं, बॉक्स स्पेसिफाई हाइट. अब हाइट पूछ रहे है वो, तो हाइट मैंने दे दी इसकी मान लो 50. ओके, सो अगर मान लो मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, अगेन बॉक्स में चला जाऊंगा, 0, 0, 100, 100. सो अगर मुझे इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो अगेन मैं इसकी स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ. सो जैसे मैंने 50 वैल्यू दी थी तो ये अपसाइड आ गया था. अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, मान लीजिए दूसरी साइड मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, -50. सो इस तरह से देखिए आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, सो अगर इसे आपने 3D में देखना है, जैसे ये वायरफ्रेम में दिख रहे हैं, सो जैसे आप विजुअल स्टाइल्स में चले जाएंगे तो अलग अलग व्यूज दिख जाएंगे आपको, अलग अलग स्टाइल्स दिख जाएंगे. शेड्स में अगर आपने करना है तो शेडेड में कर लीजिए, कंसेप्चुअल करना है तो कंसेप्चुअल में इस तरह से आ जाएगा, रियलिस्टिक में करना चाहते हैं रियलिस्टिक में इस तरह से आ जाएगा, हिडन में करना चाहते हैं हिडन में इस तरह से आ जाएगा. तो ये जो इनर वाली ये लाइन्स हैं ये सारी हाइड हो जाएंगी. और इसमें अगर शेडेड करना चाहते हैं, शेडेड इस तरह से आ जाएगा, अगेन शेडेड विद लाइन्स अगर आपने करनी है तो वो लाइन्स भी साथ में आएंगी. और अगर आपने अकेला शेडेड करना है तो उसमें लाइन्स नहीं आएंगी, शेडेड विद लाइन्स करना है तो लाइन्स भी साथ में आएंगी. ओके, इसके साथ शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे करेंगे तो लाइन्स भी इसके साथ आएंगी. सो इसके साथ ही अगर आपने स्केची किया है तो जैसे कॉपी में आप बनाते हो स्केच, उस तरह से ये स्केची मोड में चला जाएगा. वायरफ्रेम में करेंगे तो वायरफ्रेम में आ जाएगा, एक्सरे में करेंगे तो एक्सरे में ट्रांसपेरेंट मोड में चला जाएगा ये. तो आप देख सकते हो इस तरह से आएगा. सो अगेन अगर आप कंसेप्चुअल व्यू में चले जाओगे तो इस तरह से आपको दिखेगा. सो इसी के साथ अगर मेरे पास सिलेंडर आ रहा है तो सिलेंडर में भी क्या है, सर्कल आएगा. एक सर्कल ले लिया मैंने, तो आप देख लीजिए पहले से ही ये 3D का पैच दिखा रहा है मुझे. ओके, सो इसकी मैं अगर हाइट ले लूं तो इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा. सो ये मैं अनडिफाइंड बना रहा हूँ, आपको मैंने एक डिफाइंड करके बता ही दिया है. तो अगर आप इसको डिफाइंड करके बनाना चाहते हैं, इसको भी आप डिफाइंड करके बना सकते हैं. सो इसी के साथ कौन आ रहा है, अगर मैं मान लीजिए इस फेस पे बनाना चाहता हूँ तो इस फेस पे बना सकता हूँ मैं. ठीक है, स्फेयर बनाना चाहता हूँ तो स्फेयर भी मैं बना सकता हूँ. इसी के साथ पिरामिड आ रहा है आपके पास, इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रोफाइल आती है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से चूज करके बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट मेरे पास वेज आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने दो बॉडीज के बीच में सपोर्ट देना है, यहाँ आपने स्टेयर्स टाइप कुछ बनाना है तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो. अगर आपने रिंग शेप कुछ बनानी है तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा. ओके, तो इस तरह से ये आपके पास बेसिक टूल्स हैं. सो ये तो आपके पास जो 3D के ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स थे बने हुए, तो उन्हीं को मैंने डिफाइंड करके बना के देखा है और अनडिफाइंड भी बना के दिखा दिया आपको. सो अगर मुझे कस्टमाइज कोई ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है तो मैं उसको किस तरह से बनाऊंगा, मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ. सो यहाँ पे किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए अब एक्सट्रूड आ रहा है, लॉफ्ट आ रहा है, रिवॉल्व आ रहा है, स्वीप आ रहा है, ये चारों कमांड्स वन बाय वन करके देखते हैं किस तरह से ये यूज होती हैं.
ओके सो मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल आ रहा है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया रफली, सो मैं इस कमांड को रोटेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं मेरे पास, देख लीजिए ये मेरे पास क्या है, डब्ल्यू सी एस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, तो इसको नॉर्मली हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोलते हैं बिकॉज ये नेविगेशन के ऊपर ही काम करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में काम करता है। ओके सो अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीन को रोटेट करके बताया कि अगर मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट और माउस का स्क्रॉल प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी आप व्यूज में जाके अपना व्यू चेंज कर सकते हो। तो SW साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में चले जाओगे तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके सो अगर आपने इसको अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करना है तो शिफ्ट और कर्सर को प्रेस कीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सो एक्सट्रूड आप यहाँ से भी कर सकते हो, और इसकी शॉर्टकट की होती है EXT एंटर, सो आप यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हो। सो आप देख लीजिए ये सारा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, एंटर, तो आप इसको जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके 50 दोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएगा, माइनस दोगे तो माइनस डायरेक्शन में चले जाएगा, जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में आप इसको प्लस और माइनस वैल्यू दे सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए मैं इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। ओके सो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो आप देख लीजिए सरफेस पिक करेगा। ओके मुझे एक्सट्रूड सॉलिड बॉडी नहीं दे रहा, ये मुझे सरफेस दे रहा है। सो अगर मैं इसे कंसेप्चुअल व्यू में देखूँ तो आप देख सकते हैं ये एक लेयर आई है मेरे पास। सो फ्रेंड्स अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो आपको एक क्लोज्ड बॉडी तो चाहिए चाहिए, साथ में वो आपको स्केच ज्वाइन भी चाहिए। सो इसमें मैं दोबारा क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, एंटर करूंगा, तो एक्सट्रूड अप्लाई करके देखते हैं इसमें। ये देखिए सारा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट होना चाहिए, सो एक्सट्रूड कीजिए, आपके पास ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके सो इसी के साथ अभी मेरे पास क्या आ रहा है, लॉफ्ट आ रहा है, रिवॉल्व आ रहा है और स्वीप आ रहा है, तो मैं लॉफ्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ओके सो मैंने एक रफली सर्कल बना लिया। सो अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन बना लूँ तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स मुझे कितनी चाहिए, मुझे 6 साइड्स चाहिए, और यहाँ पे सेंटर पूछ रहा है तो सेंटर यहाँ पे उसने पिक कर लिया है। नेक्स्ट मुझे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और यहाँ पे मैं एक पॉलीगन लगा लेता हूँ इस तरह से। सो ये बिल्कुल ही ज्वाइन हो गया था मेरा, मैं इसको रोटेट करके दोबारा से बना के देख लेता हूँ। 6 साइड्स चाहिए मुझे, और यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉलीगन ये चाहिए, आई एंटर, और यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये पॉलीगन आ गया। मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको मूव कर लेता हूँ। सो मूव मुझे कौन से डायरेक्शन में करना है, अपवर्ड साइड में करना है। ओके सो यहाँ पे अभी मेरे पास ये वाला प्लेन आ गया, इसे मैं यहाँ से क्या करूंगा अलाइन कर दूंगा एक्स वाई प्लेन पे। तो अभी यहाँ पे आप कुछ भी करोगे, जो भी आप बनाओगे तो इसी प्लेन पे बनेगा, तो ये आपका प्लेन इस तरह से भी क्रिएट हो जाएगा। ओके सो मैं इसको मूव कर लेता हूँ अभी, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। सो इस तरह से ये यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से इसे मूव कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए ये दोनों ऑब्जेक्ट आमने सामने हो गए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, लॉफ्ट अप्लाई करूंगा। लॉफ्ट में पूछ रहा है क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्ट ऑर्डर, सो मुझे यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में ही सिलेक्ट करना है। सो मैं साथ में सिलेक्ट करूंगा और साथ में ही एंटर एंटर, और इस तरह से ये मेरा लॉफ्ट क्रिएट हो जाएगा। ग्रिड व्यू ऑफ कर देंगे तो इस तरह से आपको ये लॉफ्ट दिखेगा आपको। ओके सो इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हमें दिया हुआ है, रिवॉल्व। तो रिवॉल्व में हम क्या करेंगे, मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अभी मेरा प्लेन कौन सा है, सो मैंने वापस यही प्लेन सिलेक्ट कर लिया, टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये एंगल में आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसने प्लेन सिलेक्ट कर लिया। सो मैं क्या करूंगा अभी, कंट्रोल जेड करूंगा, सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा टॉप प्लेन हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं मूव करूंगा सबसे पहले, तो नॉर्थ डायरेक्शन और इसकी साउथ डायरेक्शन जो है मैं सेट करूंगा सबसे पहले, तो ये मेरी डायरेक्शन सेट हो गई है। अब मैं इसके बाद इस प्लेन पे इसको फिक्स कर दूंगा एक्स वाई प्लेन को, तो आप देख लीजिए ये मेरा एक्स वाई प्लेन यहाँ पे फिट हो गया। ओके नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊं, जैसे मैंने सर्कल बना लिया, सो मैं सर्कल हाफ बना रहा हूं, मैंने हाफ सर्कल लिया, मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूंगा, रिवॉल्व करूंगा, तो रिवॉल्व की शॉर्टकट की होती है REV एंटर, आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी रिवॉल्व कर सकते हो। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब पूछ रहे एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाय XYZ। ओके तो स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट लिया और दूसरा एंड पॉइंट ये लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये अभी रिवॉल्व बता रहा है। तो स्टार्ट एंगल क्या दिखा रहा है, जीरो, और एक्सप्रेशन कितना एंगल दिखा रहा है ये, लास्ट एंगल कितना होगा 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का जब मैं एक्सप्रेशन दूंगा इसे
तो आप देख लीजिए ये मेरा स्फेयर बन गया। तो आप स्फेयर इस तरह से भी बना सकते हैं, यहां से और यहां से भी बना सकते हैं। तो ये है मेरी रिवॉल्व कमांड। ओके सो फ्रेंड्स, इसी के साथ स्वीप कमांड है। तो स्वीप कमांड को किस तरह से यूज करेंगे, मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये है मेरे पास सर्कल और यहाँ भी मुझे एक सर्कल और चाहिए, तो इसका मैं ये वाला प्लेन ऑन कर लेता हूँ और इसे मैं एक्स वाई प्लेन पे सेट कर देता हूँ। सी एंटर, मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीप कर रहा हूँ, सिलेक्ट द स्वीप, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है किस ऑब्जेक्ट को आपने स्वीप करना है, इस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है। एंटर, किस पाथ पे स्वीप करना है, इस पाथ पे स्वीप करना है, तो ये इस पाथ पे स्वीप हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हो। ओके सो आई होप आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी आपके लिए क्या है, आपके लिए प्रैक्टिस, कमांड की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कमांड्स अगर आपको अच्छे से आती होंगी तो आप ड्राइंग्स भी इजीली बना सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, जब भी आप कोई डिजाइन देखते हो तो आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे यूज हो सकती है, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो कमांड्स अगर क्लियर होंगी तो आपके दिमाग में इमेज भी फटाफट बन जाएगी। तो इमेज बनना बहुत जरूरी है डिजाइन का, कोई भी डिजाइन अगर आप बना रहे हो। ओके अगर आप इमेज नहीं बन रही है आपके माइंड में तो डिजाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जिसके दिमाग में इमेज बन जाएगी वो डिजाइन भी इजीली बना लेगा। ओके सो ये है आज का फंडा डिजाइन बनाने का। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूं और आज भी मैं ये चीज बता रहा हूं, 3D की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन कमांड्स को सीखना बहुत जरूरी है, अच्छे से करिए। ये कमांड्स टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होंगी तभी आप कोई भी ड्राइंग देखोगे तो घबराओगे नहीं कि हाँ यार ये मैं नहीं बना सकता या मैंने ये नहीं बनाया। आपके पास कोई भी डिजाइन आए आपने बनाना है, उसको ट्राई करना है। ओके तो इसके बाद मेरे पास आ रहा है पॉलीसॉलिड और इसके बाद मेरे पास आ रहा है प्रेस पुल। तो ये दोनों को भी देख लेते हैं किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये प्लेन यहाँ पे आ रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी प्लेन को ओके कर लेता हूँ, ऑफसेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 30 mm, इसको मुझे नहीं पता कितना है ये। तो यहाँ पे इस तरह से ये रेक्टेंगल आ गया। तो पॉलीसॉलिड में क्या होता है, ये सिविल वालों के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, जिन्होंने वॉल्स वगैरह क्रिएट करनी होती है, प्लेन वगैरह बनाना होता है, जो आप प्लान्स वगैरह बनाते हैं उनको 3D में अगर आपने बनाना है तो उनकी वॉल्स क्रिएट जब करनी होती है तो वहां पे पॉलीसॉलिड यूज होता है। ओके सो यहाँ पे हम देखेंगे पॉलीसॉलिड किस तरह से यूज करते हैं। तो मैंने पॉलीसॉलिड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट नहीं आपने कुछ भी करना है, आपने हाइट, विड्थ और जस्टिफाई करना है। मेन आपके पास हाइट चाहिए आपको, हाइट में डिफॉल्ट यही रख लेता हूँ। विड्थ मेरे पास 5 की आ रही है, तो मुझे नहीं पता अभी ये डिस्टेंस मैंने कितना दे रखा है, सॉरी अभी मैंने ऑफसेट कितना दिया था, 30 दिया था, तो मैं इसकी विड्थ कितनी रख लेता हूँ, 30 रख लेता हूँ। जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई में क्या करना है, सो ये लेफ्ट सेंटर और राइट क्या दिखा रहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से आपने अपनी जो वॉल है वो किस तरह से पॉलीसॉलिड बनानी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से आपका ऑर्थो ऑन होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए ये वॉल क्रिएट होती जाएगी। सो आपने एंड पॉइंट्स ज्वाइन करने है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, तो ये वॉल आपकी क्रिएट होती जाएगी। अब इसे हम यहाँ से एक और ऑप्शन आ रही है आर्क, अगर आपने फिलेट देनी है तो फिलेट भी आप दे सकते हो, अगर आपने क्लोज करना है तो क्लोज भी दे सकते हो। तो सी एंटर मैंने क्लोज कर दिया, आप देख लीजिए ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो अगर मैं इसे रोटेट करके देखूं तो आप देख लीजिए इसकी इस तरह से ये वॉल क्रिएट हो गई है। ओके सो इसी में अगर मैं प्रेस पुल देखूं तो यहाँ पे एक चीज और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल बना लेता हूँ, एक और सर्कल बना लेता हूँ। तो यहाँ से एक सर्कल इस तरह से मैं बना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं नॉर्मली एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अगर एक्सट्रूड और प्रेस पुल में क्या फर्क है, एक्सट्रूड अगर मैं इसे करूं तो ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट को उठाएगा, ठीक है, बट अगर मुझे कुछ एरिया, स्पेसिफाई एरिया सिलेक्ट करना हो, उसे एक्सट्रूड करना हो, तो मैं किस तरह से करूंगा, प्रेस पुल सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, या देखिए एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया, अब इसे मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ तो मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। सो इस तरह से आपका प्रेस पुल यूज होता है, ठीक है। अगर मैंने इसी को एक्सट्रूड करना हो, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल और लगा लेता हूँ और इसी के साथ एक सर्कल और लगा लेता हूँ, तो इसमें एक्सट्रूड देख लेते हैं। एक्सट्रूड में देख लीजिए किस तरह से होगा, ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया, सिंपली इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो अगर मुझे इस तरह से बीच में होल लगाना है तो मुझे इसको पहले एक्सट्रूड करना पड़ेगा, या फिर मैं इसमें प्रेस पुल भी यूज कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसको एक्सट्रूड करके सबट्रैक्ट करके देख लेता हूँ किस तरह से ये यूज होता है।
तो यहाँ पे आपके पास कमांड आ रही है सबट्रैक्ट की। तो सबट्रैक्ट की कमांड जो आ रही है उसमें क्या करना है, आपने जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपने सबट्रैक्ट करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे एंटर, और जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वो सिलेक्ट करेंगे एंटर, तो आपका ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और भी है, अगर आप इसको मान लीजिए प्रेस पुल भी करें तो हो सकता है ये प्रेस पुल में कभी कभी इसको डायरेक्टली रिमूव भी कर देता है। तो अगर मैं प्रेस पुल सिलेक्ट करूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली रिमूव हो गया। तो प्रेस पुल में कभी कभी ये एक्सट्रूड करता है और कभी कभी ये रिमूव भी कर देता है, तो आप ये दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इसमें एक चीज और है, जैसे स्मूथ ऑब्जेक्ट। स्मूथ ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये भी सिविल वालों के लिए ही है, यहाँ आप मैकेनिकल वाले भी यूज कर सकते हो। अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें अगर आप स्मूथनेस लाना चाहते हो तो इस तरह से आप उसमें स्मूथनेस ला सकते हो। जैसे सोफा वगैरह बनाते हैं हम, चेयर्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके कुशंस होते हैं, तो उस तरह से आप इस चीज को बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना चाहते हो तो सिलेक्ट किया एंटर किया, तो यहाँ पे पूछ रहे क्रिएट मेश और डू नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू मेश। सो अगर मैं दोनों को करूं, पहले मैंने किया था क्रिएट मेश भी करके देख लेते हैं, कंट्रोल जेड, मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर, और मैं डू नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेश, मैं मेश में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, तो ये नहीं होगा। ओके सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और कन्वर्ट मेश किया, तो ये इस तरह से मेश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे एक चीज और आ रही है, एड स्मूथनेस। अगर इसमें स्मूथनेस देना चाहते हो और ज्यादा, तो इसमें स्मूथनेस दे सकते हो, ठीक है। और रिमूव स्मूथनेस करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसमें स्मूथनेस रिमूव होती जाएगी। और इसमें ये क्या है थर्ड ऑप्शन, मेश रिफाइन। अगर मेश को और रिफाइन करना चाहते हो तो और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो, इस तरह से इन कमांड्स को यूज कर सकते हो आप। सो इसमें मेरे पास दो तीन कमांड्स और भी थी, जैसे मेरे पास ये आ रहा है यूनियन, और मेरे पास सॉलिड सबट्रैक्ट आ रहा है, और मेरे पास सॉलिड इंटरसेक्ट आ रहा है। ओके सो इसको देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, अगेन एक सर्कल ले लेता हूँ, सो सिलेक्ट किया मैंने, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया, अगेन यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रेस पुल नहीं कर रहा, इसको समझने के लिए आपको इसको एक्सट्रूड ही करना पड़ेगा। सो अब देख लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये आ रहा है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट ये आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को अगर फिलेट लगानी हो, जैसे आपके पास ये फिलेट आ रही है, ओके सो इस एज पे मेरे को फिलेट लगानी है, सो ये फिलेट शायद ही अप्लाई है क्योंकि एज ही नहीं सिलेक्ट हो रही है, बिकॉज ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। सो इनके लिए मैं क्या करूंगा, अभी यूनियन अप्लाई करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे फिलेट अप्लाई करूं तो आप देखिएगा इसमें, ये देखिए एज सिलेक्ट हो रही है, फिलेट अप्लाई किया, रेडियस कितना देना है मुझे 10 mm का देना है रेडियस, तो ये देखिए आपकी फिलेट जो है वो अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से आप इसमें यूनियन कमांड को यूज कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं एक सर्कल और ले लेता हूँ, सर्कल लिया, अगेन एक सर्कल और लिया, और यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया मैंने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से अगेन इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके सो इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में अगर मेरे को कॉमन पार्ट चाहिए, इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तो वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज वही है जो मैंने आपको 2D में रीजन कमांड करवाई थी, रीजन कमांड में भी ये तीनों कमांड्स मैंने आपको करवाई थी, तो सेम उसी तरह से ये तीनों यूज होंगी। सबट्रैक्ट तो मैंने आपको पहले करवाई दिया, तो इसी तरह से यूनियन सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट जैसे रीजन कमांड में यूज हुई थी उसी तरह से इसमें भी यूज होगी। ओके सो इस तरह से आप ये सारी कमांड्स को यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, आपको ये सारी टिप्स में होनी चाहिए सारी की सारी कमांड्स। जब भी आप 3D में कोई भी ड्राइंग बनाने जाओ तो आपके पास ये सारी कमांड्स टिप्स में होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी उसे देख के घबराओ नहीं कि हाँ यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अब इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये सारे टूल्स टिप्स में होंगे तो आपको कोई भी डिजाइन बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।